जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तत्गाथा जनगणमनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। सांसद एसटी हसन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसटी हसन जी, वीडियो जिस प्रकार से वायरल हो रहा है, इस वीडियो के आधार के बाद ही मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या राष्ट्रगान वाकई भूल गए थे उस वक्त आप, जो वीडियो आया है? नहीं, मैं राष्ट्रगान नहीं गा रहा था, मैं तो जो गा रहे थे वो भूल गए। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी क्या कि आप उसको पूरा करते? नहीं, उनसे कहा था तो उन्होंने मन मन में कह के और फिर आखिर में खत्म कर दिया। देखिए, दो लाइन तो बड़े ही जोश के साथ गाया गया, लेकिन उसके बाद मन मन में गाया गया। आपको ऐसा नहीं लगता कि राष्ट्रगान का भी अपमान है? उन्होंने एक लाइन गलत करी तो मैंने उनको टोका, नहीं ये गलत नहीं, इसको इस तरह से करो, फिर आगे बढ़े। एसटीएसएन जी, सिर्फ दो लाइन है क्या राष्ट्रगान में? नहीं नहीं, राष्ट्रगान तो पूरा है, फिर जो पीछे आ रहे थे उन्होंने पूरा कर दिया। नहीं, क्योंकि तुरंत ही लास्ट लाइन पर आ गए आप। जो वीडियो हमारे सामने है इस वक्त, जो कि आप सोशल मीडिया पर भी है, उस वीडियो में तो यही नजर आ रहा है एसटीजी की शुरुआत में दो लाइन गाई गई और उसके बाद सीधे जय है करके उसको एंड कर दिया गया। बीच का किसी ने नहीं गाया। वही तो भूल गए थे। कौन भूल गया? भी गया कि आप लेके आइए दूसरों को और राष्ट्रगान दोबारा करें। एसटी हसन जी, उसको राष्ट्रगान को पूरा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए था, लेकिन उनको याद ही नहीं था किसी को वहां पे। हमने क्या, हम बताए दे रहे हैं? तो आप पूरा गाते, पूरा गाते? हाँ, वो उनसे नहीं गाया गया। अगर आप हमसे कहते कि हम गाएंगे या हमें, जाहिर हम गाना तो जानते नहीं, लेकिन हम राष्ट्रगान पूरा मालूम है। एसटी हसन जी, राष्ट्रगान की पूरी रिस्पेक्ट के साथ हम सभी यहाँ पर खड़े हुए हैं, आप एक बार सभी के सामने, ताकि ये वीडियो की जो तथ्यता है उस पर भी हम ब्रेक लगा सकें और जो वायरल हो रहा है उसको भी हम ब्रेक लगा सकें, कोई भी इसका आनंद ना ले कम से कम, ये हम चाहते हैं। क्योंकि विपक्ष के नाते ये जिम्मेदारी आपकी भी कि आप ये प्रूफ करें कि आप भी राष्ट्रगान का उतना ही सम्मान करते हैं। आप गा दीजिए एक बार, अभी हम उसका रिस्पेक्ट कर रहे हैं। मैं वैसे गाता तो नहीं, वैसे बता रहा हूँ आपको उसको, यानी अपने दिमाग से जी। मैं शुरू करूँ? करिए। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्रावि उत्कल भंग, विंदे माचल यमुना गंगा जलधि उच्छल तरंग, तव शुभ नामे। बिल्कुल एसटी हसन जी, वैसे बहुत धन्यवाद कि आपने ये पूरा पढ़कर सुनाया या गाकर सुनाया, बहुत धन्यवाद। मोहसिन रजा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहसिन रजा जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, विचारधारा की आप बात कर रहे थे कि एक व्यक्ति से पूरे विचारधारा समझ में आती है पार्टी की, आप क्या कहेंगे? एसटी हसन जी ने तो पूरा गाकर पढ़कर सब सुना दिया है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है और राष्ट्रगान का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने पढ़कर सुनाया, बहुत अच्छा भी लगा हमें, क्योंकि हमारा राष्ट्रगान है। राष्ट्रगान हमको कहीं ना कहीं प्रेरणा भी देता है और हमें अपने पूरे पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक की याद दिलाता है कि हम सब एक हैं, हमारा मुल्क एक है, ये अखंड भारत है। खंड खंड करने वालों के साथ हम नहीं खड़े होते। लेकिन जो बात आपने कही, जो बात एसटी हसन साहब कह रहे थे कि उन्हें नहीं आता था, तो अब ऐसे लोगों को जाकर सिखा दें और बता दें कि ताकि ये जाने कि राष्ट्रगान और उसका सम्मान क्या होता है और क्या भावना होना चाहिए एक हिंदुस्तानी की, जब राष्ट्रगान हो रहा हो। छोड़कर राष्ट्रगान बीच से नहीं जाया जाता है, उसका सम्मान ही हमारा बड़ा सम्मान है हमारे देश में। राष्ट्रगान को लेकर चाहे कितना बड़ा व्यक्ति हो, राष्ट्रपति से लेके प्रधानमंत्री और आम आदमी, बिल्कुल कहीं पर भी पूरा सम्मान होना चाहिए। एसटी हसन जी, मैं चाहती हूँ कि आप आखिरी रिएक्शन दें, लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ कि आसपास जितने लोग आपके खड़े थे और जिनको नहीं आता था राष्ट्रगान, वो आपकी ड्यूटी क्या आप उन्हें सिखाएं, ताकि अगली बार से कम ऐसा वीडियो ना आए। बिल्कुल सही फरमाया आपने जी। बहुत तकलीफ की बात है कि वो क्यों खड़े हुए थे गाने के, जब उन्हें पता ही नहीं था, बिल्कुल नहीं था। गलत बात है, हमने बाद में उनको बहुत डांटा भी, लेकिन जो पीछे दूसरी साइड में पढ़ रहे थे उन्होंने कर लिया था, वहां पे कैमरे की नजर नहीं गई है। बिल्कुल बिल्कुल, हम बिल्कुल नहीं चाहते ये कि किसी भी प्रकार से राष्ट्रगान का अपमान हो या फिर किसी को ना आए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसको आप ठीक से समझते भी हैं। ठीक है एसटी हसन जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मोहसिन रजा जी, आपका भी बहुत धन्यवाद।